हेलो एवरीवन, जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा परियोजना। इसके बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पे इस पे कुछ व्याख्या आई है, उसको हम देखेंगे और फिर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला मुद्दा न्यूज़ में आजकल क्यों है। अभी रिसेंटली 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना वर्डिक्ट दिया है। इस प्रोजेक्ट को, सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है। ठीक है, ये एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। क्या पिटीशन थी बेसिकली, प्रोजेक्ट है क्या, इसमें जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो एरिया है, वहाँ पे जो भी सरकारी इमारतें हैं उनका निर्माण कार्य फिर से किया जाएगा, उनको जहाँ रेनोवेशन की ज़रूरत है उनको रेनोवेट किया जाएगा। तो अप्रैल 2020 में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में राजीव सूरी द्वारा। उसमें ये था कि आप ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, इससे जो लोग हैं उन जब यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो एरिया पूरा होगा, उसको बहुत हद तक माना जा रहा है, 3.2 किलोमीटर का एरिया है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक वहाँ पे नहीं जा सकती, उनको लिबर्टी नहीं होगी वहाँ पे घूमने की। तो राजीव सूरी ने अपनी याचिका में यही कहा कि ऐसा करने से जो उनका जो राइट टू लाइफ है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसका यहाँ पे अब उसको यहाँ पे खारिज किया जा रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से, हाँ, बोला गया उस याचिका में कि आप इस प्रोजेक्ट पे रोक लगा दीजिए। तो आज 5 जनवरी को मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट इस पे दिया और उस पे रोक नहीं लगा के इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसी भी फंडामेंटल राइट का, किसी भी मूल अधिकार का इसमें हनन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 3 जज की बेंच थी, तीन जस्टिस थे उसमें, जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना। ये जो 2 जजेस थे, इन्होंने इसको अपनी मंजूरी हाँ में दी कि हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे की जा सकती है। और एक जज हैं संजीव खन्ना, उन्होंने इसको अपना मंजूरी नहीं दिया। ठीक है, तो 2 यस में थे, एक नो में वोट था, तो 2:1 की मेजोरिटी से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब क्या है ये प्रोजेक्ट, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम इसमें आगे देखेंगे। देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या है, इसको बोला जाता है राजपथ, यहाँ पे है इंडिया गेट और यहाँ पे है राष्ट्रपति भवन, यहाँ पे हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पड़ते हैं, और यहाँ पे एक हमको हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग होती है। इस पूरे एरिया को फिर से बनाया जाएगा, इन इमारतों को फिर से बनाया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा और रीडेवलप किया जाएगा। जहाँ ज़रूरत है कि वहाँ पे निर्माण कार्य की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। जहाँ पे सरकार को लगता है कि यहाँ पे निर्माण कार्य की ज़रूरत है, वहाँ पे निर्माण कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे ये जो रोड है, जहाँ पे 26 जनवरी की परेड भी यहीं से निकलती है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है, वो लोग देख रहे होते हैं, इसको बोला जाता है राजपथ। इंडिया गेट से लेकर इस वाले एरिया को फिर से बनाया जाएगा, यही है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण या फिर पुनः उद्धार किया जाएगा। ठीक है, क्या किया है इसमें, पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है उसको फिर से बनाया जाएगा, नई इमारत बनेगी हमारे संसद भवन की। राष्ट्रपति भवन का निर्माण फिर से किया जाएगा। इंडिया गेट के आसपास बेसिकली उस इमारत को तो नहीं छेड़ेंगे, वहाँ पे आसपास जैसे नेशनल वार म्यूजियम है, उस एरिया के आसपास जो भी रेनोवेशन का काम है या फिर से नई इमारतें बनाई जाएंगी वो बनाया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो है उसकी इमारतें यहाँ पे फिर से उनको बनाया जाएगा। ठीक है, अब
इन ये जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, यहाँ पे जो है इन पे, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई या फिर हमारा गृह मंत्रालय हो गया, वो यहाँ से काम करते हैं। ओके, पीएमओ का ऑफिस भी यहीं पे है। ठीक है, ये है नए हमारा सेंट्रल, इसके अगर ये हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मैप है अभी जो था, उसके बाद हमको कुछ ऐसे दिखाया जाएगा नया बन के। ये है हमारा यहाँ पे इंडिया गेट, इंडिया गेट से लेकर ये पूरा सीधा रास्ता जो मैंने आपको अभी बताया, इसको बोला जाता है राजपथ। ठीक है, इसके आसपास इसको रक्षा भवन बोला गया है। ये जो है सरकारी इमारतें होंगी जहाँ पे मिनिस्ट्रीज अपना काम कर पाएंगे, एमपीज के ऑफिसेज होंगे यहाँ पे। उसके अलावा ये यहाँ पे ये पुराना संसद भवन है हमारा, ये हमारा पुराना संसद भवन है, और इसके पास ये इसी के नीचे एक त्रिकोणीय शेप में नए संसद भवन की इमारत बनाई जाएगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति का जो भवन है उसका निर्माण भी फिर से करवाया जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री का घर रहेगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का घर रहेगा, और ये पीएमओ प्रधानमंत्री का ऑफिस यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से कुछ नया हमको यहाँ पे डिज़ाइन मैप बाद में दिखेगा। ये है पूरा प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो खर्च पूरा अनुमानित करके लगाया गया है, बताया जा रहा है, वो है 2000 करोड़। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट का जो खर्च बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है 2000 करोड़, और माना जा रहा है 2024 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नए संसद भवन की जो निर्माण कार्य किया जाएगा, उसकी कॉस्ट, अनुमानित कॉस्ट लगाई गई है 971 करोड़, 971 करोड़ उसकी अनुमानित कॉस्ट लगाई गई है, और इसको बोला जा रहा है कि ये 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2022 हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे रहेगा इस साल, तो ऐसा माना जा रहा है। यही कोशिश है सरकार की कि भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस जो होगा, तब तक इस संसद भवन की नई बिल्डिंग को, नई बिल्डिंग के काम को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, नई बिल्डिंग जो बनेगी संसद भवन की, उसका बेसिकली साइज़ बढ़ाया जा रहा है, पुरानी हो गई है तो नई इमारत खड़ी करेंगे, जो उसमें सिटिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा रहा है। तो जब नई संसद भवन बनेगी, उसमें लोकसभा के लिए कुछ 888 सीटें रहेंगी और राज्यसभा के लिए 384 सीट्स रहेंगी। ठीक है, अब इसको दिया गया है ये प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। ये आप चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये संख्या भी आप याद रख सकते हैं कि किस में कितनी सीट्स आने वाले समय में हमको मिलेंगी आगे। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है हमारे नए प्रोजेक्ट का, नई जो हमारा संसद भवन होगा उसका ये मैप है। ये कुछ नया संसद भवन जो होगा, वो हमको कुछ ऐसा ट्राइंगुलर शेप में, त्रिकोणीय शेप में हमको दिखाई देगा। पुराना वाला संसद भवन वहाँ पीछे गोल उसमें, और ये यहाँ पे त्रिकोणीय शेप में हमको नया संसद भवन मिलेगा। ये सीट्स मैंने आपको बता दी, लोकसभा की सीट्स 888 कर दी जाएंगी, राज्यसभा की 384 कर दी जाएंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने आपको बताई 971 करोड़, इसकी सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब लोकसभा का जो इंटीरियर है उसका थीम रहेगा पीकॉक। पीकॉक क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर की थीम के बेस पे बनाया जाएगा लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा हमारा राष्ट्रीय फूल जो है कमल, उसको इसका थीम माना गया है। एक सेंट्रल लॉन्च बनेगा यहाँ पे कामकाज के लिए, ऑफिशियल कामकाज के लिए, उसको यहाँ पे उसकी थीम दी गई है बनियन। बनियन हमारा नेशनल ट्री है, तो ये याद रखिएगा। लोकसभा के लिए पीकॉक, राज्यसभा के लिए लोटस, और सेंट्रल लॉन्च के लिए बनियन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए, सिंपल सी बात है, सरकार अगर कुछ काम करती है तो उसका विरोध करने के लिए विपक्ष हमेशा हमेशा से तैयार रहता है।
विपक्ष का यहाँ पे कहना ये है कि इस समय इस बिल्डिंग की या फिर इस निर्माण कार्य की ज़रूरत क्या थी, क्यों ज़रूरत क्यों बोला गया है, क्योंकि कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में देखा गया कि बहुत फाइनेंशियल लॉस या इंडिया का जो ग्रोथ है बढ़ती हुई उसको बहुत क्षति पहुंची है, वो सब नहीं अब भी इफेक्ट कर रहा था, तो आपको देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतना पैसा यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। 20,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। विपक्ष यहाँ पे इसका विरोध कर रहा है। सरकार क्या जवाब देती है इसके बिहाफ में कि क्या ज़रूरत थी इसकी? सरकार का कहना है कि बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, अब हमको नई बिल्डिंग की आवश्यकता है। ठीक है, ये सरकार ने बोला है कि 100 साल, लगभग 100 वर्ष हो गए हैं पुरानी बिल्डिंग को, तो हमें नई बिल्डिंग चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, दूसरा तर्क जो सरकार देती है, अभी जो एरिया यहाँ पर, जो राजपथ के आसपास जितनी भी बनी बनाई इमारतें अभी हैं, उसमें उनमें उन इमारतों में सरकार का पूरा काम अभी नहीं हो पाता है, तो सरकार को कहीं और किराए पे अच्छी अच्छी जगहें लेनी पड़ती हैं, उसका बहुत खर्च सरकार बियर करती है। सरकार उसको बताती है कि हम लगभग 1,000 करोड़ खर्च करते हैं कहीं और जगह लेने पे, किराए पे लेने पे, या फिर कोई और जगह बुक करने के लिए सरकारी कामकाज के लिए। तो यहाँ पे सरकार का तर्क है कि हमारा ये वाला पैसा यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तीसरा तर्क जो सरकार देती है वो है लैक ऑफ स्पेस, यहाँ पे जगह की कमी है, हमको नया जगह चाहिए, और नया जगह भी बड़ी ज़्यादा सीट्स हमको चाहिए, ज़्यादा जगह हमको चाहिए, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ओम बिरला जी ने कही थी, वो था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आत्मनिर्भर भारत को रिफ्लेक्ट करेगा, जो आइडिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। सबको पता है ये जो पुरानी इमारत है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, अभी हम नया कुछ क्रिएट करेंगे तो वो इंडिजीनियस होगा, इंडिया का खुद का होगा, तो वहाँ से ये सबसे बड़े रिफ्लेक्ट करेगा कि देश की सबसे बड़ी इमारत ही इस चीज़ को फॉलो कर रही है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम जगह का अभाव। ओके, देखिए अब सबको पता है कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। ठीक है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से लोकसभा में और जितनी भी बाकी विधानसभा में भी सीटों में इजाफा होता है। अभी जो बिल्डिंग है उसमें सीटें कम हैं और ये पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है एक रैपिड पेस पे, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अब तक 4 गुना की वृद्धि जनसंख्या में हो गई है। इतनी वृद्धि जब होती है, आप अगर भारत देश में इतनी वृद्धि हो रही है तो आपको लोकसभा या फिर जो संसद भवन में सीट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हमको नए स्पेस की ज़रूरत है। ये जो सीट्स बढ़ाने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है डीलिमिटेशन। ये क्या होता है डीलिमिटेशन में, हिंदी में इसको बोला जाता है परिसीमन। हिंदी में अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से हमको उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी लोकसभा या फिर विधानसभा में, इसी को बोला जाता है परिसीमन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, अब बात आती है कि अब तक ये कार्य कितनी बार किया गया है। ठीक है, जनसंख्या के बेस पे सीटों को बढ़ाने वाले, सीटों को चेंज करने वाली संख्या को डिलिमिटेशन या परिसीमन बोला जाता है, और ये करने के लिए हमारे पास एक कानून है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 1952 का बनाया गया हमारे पास ये कानून है। ठीक है, इसमें अभी तक अगर हम देखें कब कब किया गया, 1952 में ये आया, तब सीट रिवाइज की गई थी, फिर 1963, 1973 और 2002 में, अभी जो है 2026 में फिर से सीट्स रिवाइज की जाएंगी, फिर से डिलिमिट की जाएंगी जनसंख्या की वृद्धि को नज़र में रखते हुए। तो ये आप याद रखिएगा कौन सा एक्ट है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब का, 1952 का। कब कब की गई है, 1963, 1973 और 2002 में
इन सीटों को फिर से बढ़ाया गया है, बड़ी ही ऑब्वियसली क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कमी तो नहीं हो रही है। अब बात करेंगे जो अभी हमारा पार्लियामेंट है उसके बारे में। जो अभी का हमारा जो मौजूदा हमारा जो संसद भवन है उसको डिज़ाइन किया गया था सर एडविन लुटियंस द्वारा और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, कब, 1912-1913 में। ये दोनों आर्किटेक्ट्स के नाम है और इन्हीं के नाम पे यहाँ ने लुटियंस ने यहाँ से लेकर कनॉट प्लेस तक काफ़ी इमारतों का निर्माण किया गया था, तो इस वाले इसको लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है, लुटियंस की दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये यहाँ के आर्किटेक्ट रहे। ठीक है, अब पुरानी संसद भवन जो है अभी जो है उसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड इरविन कौन थे? तब के वॉइस रॉय थे। कब इनॉग्रेट किया गया था? 1927। डेट अगर देखेंगे तो 18 जनवरी। ठीक है, इसको इनॉग्रेट यहाँ पे इसका उद्घाटन तब कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा। ठीक है, अब देखना ये है जो नया बिल्डिंग हमारी बनेगी संसद भवन की उसका उद्घाटन कौन करता है। तो हमारे पास दो नाम रहेंगे याद करने को, पहले वाली का किसने किया था और बाद में किसने किया। ठीक है, अब एक बात जो याद रखनी है, अभी 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद कुछ दो फ्लोर्स हैं, दो मंजिल हैं इस इमारत में जिनको ऐड किया गया 1956 में। 1956 का मतलब है भारत की आज़ादी के बाद, तो ये आप एक बिंदु इसमें याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही सेम लिखा है 1912-1913 में कौन थे आर्किटेक्ट? सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये आर्किटेक्ट रहे हैं पुरानी वाले संसद भवन के निर्माण कार्य में। ठीक है, किसने किया उसको उद्घाटन? लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को। और अधिक संस्थान की मांग, जब लगा कि उसमें जो कम स्पेस है तो नए और ज़्यादा स्पेस के नज़र रखते हुए दो मंजिलों का निर्माण और उसमें जोड़ा गया। कब? 1956 में। ठीक है, ये कुछ बातें हैं हमारे पुरानी वाली जो हमारी अभी वाली जो मौजूदा संसद भवन की इमारत है उसके बारे में। अब विरोध तो विपक्ष कर ही रहा है, ये तो बहुत जनरल सी बात है, सरकार कोई काम करेगी तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। विपक्ष का ये कहना है कि इस वाले काम को अभी थोड़े टाइम के लिए टाला जा सकता था क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ने बहुत सफ़र किया है कोविड-19 की वजह से। अगर हम एक हद तक देखें तो ये वाली बात ठीक भी है, थोड़े टाइम तक टाल दिया जा सकता था, पर अगर सरकार को लग रहा है वो इतना पैसा इस काम में लगा सकती है तो सरकार ने कुछ सोच के ही इस वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत करी होगी। ठीक है, अब ये जो है नया जो संसद भवन की इमारत है इसका इनॉग्रेशन, भूमि पूजन जो होता है, भूमि पूजन 10 दिसंबर को कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी कब दी है? 10 दिसंबर 2020 को कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है 5 जनवरी 2021 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भूमि पूजन करने से रोका नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पर आप अभी इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे जब तक हम हमारा फैसला नहीं दे सकते हैं। अभी एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अभी वर्डिक्ट में बोली है वो ये है, सबको पता है दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन जब होती है हाई बड़े लेवल पे, जब कंस्ट्रक्शन होती है, जब निर्माण कार्य होता है बड़े लेवल पे, तो प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला है कि आप यहाँ पे स्मोक गन होती हैं और जो स्मोक को कंट्रोल करें इन चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखेंगे कि इस निर्माण कार्य की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला है। तब उम्मीद ये की जा रही है कि 2022 तक हमको एक नई संसद भवन की नई बिल्डिंग मिल जाएगी और 2024 तक ये पूरा जो राजपथ वाला एरिया है उसकी एक नई शक्ल हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।